नमस्कार दोस्तों, आप लोग जो इस पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को पिछले कई सालों से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, यानी पेशाब की नली में इनका सिकुड़न है और पेशाब की नली में सिकुड़न के साथ साथ इनका यूरेथ्रा में एक जलन हुआ करता है और ये जलन सिर्फ पेशाब तक ही यानी सिर्फ यूरेथ्रा तक ही सीमित है, ऐसा नहीं, ये जलन इनका हथेली में भी हो रहा है और यही जलन इनका पैर के जो तलवे है, जो सोल्स है, वहाँ भी जलन हो रहा है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ जलन है, जलन के साथ साथ हाथ में जलन है और पैर में भी जलन है। और ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कई जगहों से इन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन कुछ खास परिणाम इनके अंदर नहीं हुआ है। एट लास्ट वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर गए हुए हैं, तो उनको वहाँ पर ये बताया गया कि इनको यूरेथ्रोप्लास्टी जो सर्जरी है वो इनको कराना पड़ेगा। तो फिर वो वहाँ से वापस आ गए और अपना शहर में किसी एक अच्छी यूरोलॉजिस्ट के पास से वो जो यूरेथ्रोप्लास्टी जो सर्जरी होता है उसको कराना चाह रहे हैं। अब इस दौरान इनको किसी ने मेरा नंबर दिया और इनको कहा कि एक बार मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि जो यूरेथ्रोप्लास्टी है ये 100% एकदम एक बार सर्जरी कराने के बाद वो वापस फिर से दोबारा रिकरेंसी नहीं आएगा इसमें, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो जो इनको ये बात कहा वो 100% सही बात कहा है, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो सर्जरी कराने के बाद ही मोस्ट प्रोबेबली जो पेशेंट है मेरे पास 50% 60% जो पेशेंट है वो रिकरेंस वाला केस है, यानी सर्जरी हो चुका है उनका, IOU हो चुका है, यूरेथ्रोप्लास्टी हो चुका है और यूरेथ्रोप्लास्टी होने के बाद भी फिर से ये प्रॉब्लम रिकरेंस हो गया, दोबारा इनका अंदर डेवलप हो गया, तब फिर पेशेंट फिर जो है मेरे पास आ गए। डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं बताइए, सर्जरी बहुत लोग लास्ट ऑप्शन बोलते हैं, सर्जरी कराने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम अगर फिर से अगर दोबारा अगर रिकरेंस हो जाए तब तो फिर बहुत मुश्किल है, तब फिर कहाँ जाए पेशेंट। सर्जरी अगर किए है इतना पैसा बर्बाद तो हुआ ही है वहाँ पे, साथ में पेशेंट को इतना कष्ट उठाना पड़ा, तो उसके बाद भी अगर पेशेंट को अगर आराम नहीं मिल रहा है, 100% क्योर नहीं हो रहा है, कुछ महीना एक साल दो साल बाद फिर से अगर वही प्रॉब्लम अगर दोबारा फिर से अगर रिकरेंस हो रहा है तब फिर पेशेंट कहाँ जाए, तब तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात है। एक्चुअली क्या होता है, ऑपरेशन के जरिए यानी सर्जरी के जरिए अगर कोई स्ट्रक्चर है कहीं पे, अगर कोई नैरोनेस है उसको तो खोल देते हैं, लेकिन उसको खोलने के बाद कुछ साल बाद कुछ महीने बाद वो जो टेंडेंसी है फिर से नैरोनेस होने की वो ऑटोमेटिक फिर से हो जाता है। ये सबसे मुश्किल वाला बात है। अगर अंदर में कोई स्कार टिश्यू है, स्कार टिश्यू को डिजॉल्व करने के बाद भी उसका अंदर एक टेंडेंसी होता है फिर से रिग्रो करने का, तो वो कुछ महीने बाद कुछ साल बाद फिर से वो रिग्रो कर जाता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। तो सर्जरी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में इसका 100% सोल्यूशन है। हम लोग ये जो टेंडेंसी है, ये जो बार बार बढ़ने का ये जो एक टेंडेंसी है, एक जो रिग्रो फॉर्मेशन फिर से होने का एक जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम लोग तोड़ सकते हैं, और जब तक इस टेंडेंसी को आप नहीं तोड़ेंगे तब तक पेशेंट को प्रॉब्लम उठाना ही पड़ेगा। हर 6 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल 3 साल बाद ये फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा और पेशेंट फिर यहाँ वहाँ भागेगा। तो ये पेशेंट मेरे पास आ गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, अपना सर्जरी को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया किसी का कहने पे। तो मैं इनका थॉरली केस टेकिंग किया, थॉरली केस टेकिंग करने के बाद मैं पेशेंट को सल्फर प्रिस्क्राइब किया। मैं पेशेंट के बारे में कम से कम 1 घंटा सोचा, आधा घंटा मुझे केस टेकिंग करने में लगा। केस टेकिंग करने के बाद 30 मिनट्स मैंने किताब देखा, ये किताब वो रेपर्ट्री ये एलेंस की नोट सब कुछ मैंने देख के मैं पेशेंट के लिए सल्फर प्रिस्क्राइब किया था। सल्फर 0x1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए। सल्फर प्रिस्क्राइब करने से हुआ ये कि पेशेंट का अंदर 70-80% फायदा हो गया। पेशाब की नली की जो सिकुड़न है वहाँ भी काफ़ी हद तक इनको इम्प्रूवमेंट आ चुका था। इसी के साथ जो जलन हो रहा था इनका यूरेथ्रा में, वो जलन काफ़ी हद तक कम हो चुका है, काफ़ी हद तक। सिर्फ यूरेथ्रा में जलन कम हुआ ऐसा नहीं, इनका हथेली में जो जलन हो रहा था वो भी कम हो गया और जो पैर में जलन हो रहा था वो भी कम हो गया साथ ही साथ। अब सवाल ये है कि इस पेशेंट को मैं सल्फर ही क्यों प्रिस्क्राइब किया हूँ। मेरे पास आने से पहले जिन डॉक्टर्स ने इनका ट्रीटमेंट किया हुआ है किसी ने भी इनको सल्फर प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। मैं इनका प्रिस्क्रिप्शन देख रहा था, प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन देख रहा था, किसी ने भी सल्फर इनको प्रिस्क्राइब नहीं किया है। सब इनको वही थियोसिनेमिनम, टेरिविंथेना, क्लिमाटिस, पेट्रोसिलिनम सेटाइवम, इक्विस्टम हाइमेल, थैलेसपी बीपी, इस तरह के जो मेडिसिन जो थेरेपेटिक वे में काम में आती है वही मेडिसिन इनको दिया गया। सभी डॉक्टर्स इनको यही मेडिसिन दे रहे थे और रिजल्ट आ रहा था 0। तो सल्फर में क्यों प्रिस्क्राइब किया, अब आते हैं इस बात पे।
तो सल्फर प्रेस्क्राइब करने के पीछे जो प्रोमिनेंट रीजन है वो है बर्निंग। इनका बॉडी में तीन जगह पर बर्निंग हो रहा था, एक यूरेथ्रा में, एक हाथ में, एक पैर के तलवे में यानी सोल्स में। तो एक ही सिम्टम अगर बॉडी में एक से अधिक जगह पे अगर हो तो उसको गाइडिंग सिम्टम मानना चाहिए एज पर बोनिंग हुसैन। बोनिंग हुसैन का ये बात है डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। उन्होंने ये बात कहा गया है कि अगर एक ही सिम्टम, अगर एक ही प्रॉब्लम किसी पेशेंट के अंदर एक से अधिक जगह पे हो, एक से दो जगह या तीन जगह पे हो, तो उसको गाइडिंग सिम्टम मान लेना, उसको आप लोग एलिमिनेटिंग सिम्टम मान लेना और उसको पकड़ के ही आगे का सिम्टम्स खोजना और उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना। तो ये मेरे लिए गाइडिंग सिम्टम है। अब बात करते हैं कि बर्निंग के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है। तो बर्निंग के लिए जो प्रोमिनेंट मेडिसिन है होम्योपैथी में वो है सल्फर, मेडोराइनम, फॉस्फोरस, कैम्फर, कैंथरिस, कैमोमिला, एपिस्मेल, कैप्सिकम, सिकिलकॉर, रेडियम ब्रोमेटम और कार्बोवेज। तो ये जो मेडिसिन का मैं नाम बताया इनमें बर्निंग पाया जाता है, जलन पाया जाता है। तो मेरा जो प्रेस्क्रिप्शन होगा इन्हीं मेडिसिन का अंदर से मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये गाइडिंग सिम्टम है बर्निंग। तो बर्निंग को लेकर मुझे ट्रीटमेंट को आगे स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे इनका अंदर मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इन मेडिसिन के अंदर से मुझे सिलेक्शन करना चाहिए, करना होगा मुझे। और अब बात करते हैं कि सल्फर का मुझे आगे और क्या क्या सिम्टम मिले, क्योंकि एक सिम्टम के ऊपर बेस करके, एक सेंसेशन के ऊपर बेस करके हम लोग सल्फर जैसी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी रेमेडी है। तो सल्फर का मुझे जो सेकंड प्रोमिनेंट सिम्टम मिला वो है सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज। इनके अंदर चरम रोग हुआ था जिसके लिए इन्होंने मलम वगैरह लिया हुआ है एलोपैथी में और मेडिसिन वगैरह खाया हुआ है, तो इससे सप्रेशन हो गया है, दब गया है और उसको दबने के बाद से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ अपने वीडियोस में कि चरम रोग के लिए, स्किन डिजीज के लिए कभी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराना है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आफ्टर क्यूरिंग ऑफ स्किन डिजीज आपके अंदर क्यों इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकता है, कैंसर जैसा प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकता है सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज के कारण से। तो कभी भी स्किन डिजीज के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ऑइंटमेंट वगैरह नहीं लगाना है आपको। इसके अलावा जो पेशेंट है वो एक हॉट पेशेंट है, इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है और हर दिन नहाते नहीं है। एंड और एक सिम्टम मुझे परमानेंटली मिल गया वो है स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजिशन फॉर सल्फर। सल्फर का जो पेशेंट होता है वो बहुत देर तक खड़ा नहीं रह पाता है, खड़ा रहने से उसको प्रॉब्लम होता है। तो ये और एक सिम्टम मिल गया। इसके अलावा जो शारीरिक जो गठन है सल्फर का, लीन थीन स्टूप शोल्डर यानी इस तरह का जो स्टूप शोल्डर है, सामने की तरफ बेंड हुआ रहता है उसका जो स्ट्रक्चर है, और पेशेंट को स्वीट खाना पसंद है, मीठा खाने का शौक बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को पता है स्वीट की क्रेविंग सल्फर में होता है, लाइकोपोडियम में होता है, अजेंटम नाइट्रिकम में होता है, इन मेडिसिन के अंदर स्वीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इनको भी स्वीट खाने का क्रेविंग है एक तरह से, और सॉल्ट भी लेता है एक्स्ट्रा सॉल्ट, यानी जो खाने में नमक मिला हुआ रहता है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा सॉल्ट वो और ऐड करता है। तो ये पूरा सिम्टम मुझे सल्फर की ओर इंडिकेट कर रहा है। सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज, बर्निंग यूरेथ्रा, बर्निंग हैंड, बर्निंग सोल्स, इसके अलावा स्वीट की क्रेविंग, सॉल्ट की क्रेविंग एंड स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजिशन फॉर सल्फर। इसके अलावा जो शारीरिक गठन है वो स्टूप शोल्डर, लीन थिन। तो इस सभी सिम्टम्स को देखते हुए मैं पेशेंट को सल्फर प्रेस्क्राइब किया। तो सल्फर 0x1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए, और आज इनका ट्रीटमेंट मेरे पास चलते हुए 2 महीना हो चुका है और पेशेंट का अंदर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से, इन्होंने मुझे रिप्लाई किया हुआ है, इनसे मेरा बात पहले ही हो चुका था लेकिन मैं पेशेंट को कहा कि आप एक बार अपना फीडबैक व्हाट्सएप पर डाल दीजिए ताकि मैं इसका एक वीडियो बना सकूं। तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब 70% 80% तक इनको फायदा हो चुका है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर। अब आगे मैं सल्फर ही प्रेस्क्राइब करूंगा 0x5, 6, 7, 8 और इस पेशेंट को मैं एट लास्ट जब इनका ट्रीटमेंट मैं खत्म करूंगा उस समय मैं इस पेशेंट को एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन का एक हायर डोज में एक डोज जरूर दूंगा,
इसलिए दूंगा क्योंकि ये जो टेंडेंसी है बार बार स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का या वहाँ कोई स्कार टिश्यू डेवलप होने का, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसको नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये कुछ साल बाद फिर से डेवलप हो जाएगा। तो ये टेंडेंसी को रोकना बहुत जरूरी है। तो ये टेंडेंसी तभी टूट पाएगा जब हम लोग किसी एक अच्छी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का सिलेक्शन करके वो अगर एक अच्छी पोटेंसी में एक अच्छी रिपीटेशन में उसको हम लोग पेशेंट के ऊपर अप्लाई करें। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये एंटीसाइकोटिक प्रॉब्लम के अंदर आता है, यानी एंटीसाइकोटिक मार्जम के अंदर आता है। तो एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन एट लास्ट में इस पेशेंट के अंदर हमको देना ही पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ मेडोरेंडम में इस पेशेंट को मैं देने वाला हूँ। क्योंकि मेडोरेंडम के अंदर भी जलन पाया जाता है, सॉल्ट की क्रेविंग पाया जाता है, स्वीट की क्रेविंग पाया जाता है, और मेडोरेंडम का जो पेशेंट होता है ये भी हॉट होता है। तो मेडोरेंडम जो है इनका बेस्ट सेलेक्टेड एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, वो मैं लिख कर रखा हूँ, मैं बाद में दूंगा। और एक बात है जो कि मुझे मेडोरेंडम यहाँ प्रिस्क्राइब करना ही चाहिए, वो ये है कि यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम होती है वो कई बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के वजह से भी हो जाता है। जिस महिला पार्टनर को ऑलरेडी गनोरिया हो चुका है, गनोरियल इन्फेक्शन जिसके अंदर ऑलरेडी है, और उनसे अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आपका अंदर डेवलप हो सकता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है ये गनोरियल इन्फेक्शन के कारण से भी हो जाता है। तो इस पेशेंट को मैंने पूछा कि कहीं आप अनप्रोटेक्टेड जगह पे सेक्स वगैरह किए हैं कि नहीं, तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी तो उनसे मैं किया हूँ, लेकिन मुझे कन्फर्मली बोल नहीं पाऊंगा कि उसके बाद से ये चीज़ डेवलप हुआ है कि नहीं। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए भी मैं मेडोरेंडम का सिलेक्शन कर सकता हूँ कि यहाँ भी कोई चांसेस हो सकता है गनोरियल इन्फेक्शन के कारण से इनके अंदर यूरेथ्रा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हो। तो और होम्योपैथी में हम लोग हमेशा कारण पे फोकस करते हैं, कारण पे जोर देते हैं, तो इसीलिए ये कारण हो सकता है इनके अंदर यूरेथ्रा स्ट्रक्चर डेवलप होने का। तो मेरा जो नेक्स्ट मेडिसिन होगा वो मेडोरेंडम होगा, लेकिन एट लास्ट अभी मैं नहीं दूंगा, अभी सल्फर दे रहा हूँ। सल्फर जब काम करना बंद कर दे, सल्फर ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर दिया है, लेकिन अब इसका जो टेंडेंसी है इसको रोकने के लिए मेडोरेंडम का ही मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे बताइए। अगर आप लोग कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई मैं दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।